रोहित मोबाइल की नई पेशकश, रोहित इलेक्ट्रिकल्स सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल्स आइटम हो ग्रेट में उपलब्ध, 0% ब्याज पर बजाज एवं एचडीबी कार्ड बनवाएं बिल्कुल मुफ्त, बड़ा बाजार राम प्याऊ के पास सागर। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर के वायरल स्क्रीनशॉट मामले ने तूल पकड़ लिया है। जांच में सामने आया था कि उस पेपर का स्क्रीनशॉट सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज सेंटर से लिया गया था। ये कॉलेज मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे का है, लेकिन प्रबंधन कह चुका है कि वो कॉलेज की बिल्डिंग को किराए पर दिए हैं। इस मामले में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 पूरी तरह से निरस्त की जाए। इसके साथ ही इस मामले की CBI जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। परीक्षाओं में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को सरकारी भवनों में संपन्न कराया जाए। पेपर भी एक ही दिन में आयोजित होने चाहिए और ये ऑफलाइन के माध्यम से पेपर हों। इसके अलावा इसमें आरक्षक परीक्षा में डिसक्वालीफाइड हुए बच्चों ने भी सरकार से जांच करने की मांग की है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं का पुलिस में आरक्षण खत्म करने को लेकर भी अभ्यर्थियों में रोष है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह आरक्षण लागू किया जाए। मेरा नाम सोनम उपाध्याय है, मैं सागर से रहने वाली हूँ। मेरा वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ है, 25 मार्च 2022 का वर्ग 3 का पेपर ज्ञानवीर कॉलेज से लीक हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि इतने टाइम बाद भर्ती आई है तो वो उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता हो, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ चाहते हैं कि CBI जाँच हो उस पेपर की। जी सर, मैं अभय पांडे हूँ, और सर हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो भर्ती 2011-12 में आई थी और उसके बाद 2021 में आई है, इतने समय के बाद भर्ती आने के बाद भी मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा इतनी बड़ी गलती हुई है कि पेपर के स्क्रीनशॉट लीक हुए हैं और बच्चे फिक्स में पैसे दे दे के पास हुए हैं और बहुत ज़्यादा नंबर लाए हैं, लेकिन हम लोग 8-8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 90% बच्चे 96 और 100 के आगे भी नहीं निकल पाए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? व्यापम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, ना ही संविदा शिक्षक वर्ग 3 में और ना ही मध्य प्रदेश पुलिस में। व्यापम ऐसी गलतियां करता रहेगा और हम लोग उसको भुगतते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को इतना इंसाफ चाहिए है कि हम लोगों को वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा निरस्त की जाए और जो पुलिस का रिजल्ट दिया है उसको पुनः संशोधित करके दिया जाए। MP पुलिस का है तो उसमें गर्ल्स के लिए 33% का रिजर्वेशन है, जनरल कैटेगरी से 72 मार्क्स आए और हम लोग को ना डिस्क्वालीफाइड कर दिया उसमें सभी लोग। 5,500 MP में 5,500, हाँ टोटल। हम लोग यही चाहते कि रिजल्ट को फिर से रिवाइज किया जाए और 33% के साथ में। लोगों की यही मांग है जो 25 तारीख का पेपर लीक हुआ है, हम लोग चाहते हैं उसकी CBI जाँच हो, वर्ग संविदा वर्ग 3 का सागर से। पुलिस की भर्ती में भारतीय सेना को आरक्षण खत्म किया गया है, जो बालक 18 वर्ष की उम्र में बॉर्डर पर लड़ने की तैयार हैं, क्या वो 20 साल की सर्विस करके क्या सामान्य स्टूडेंट की फाइट कर सकता है? ये सरकार का गलत रीति रिवाज है, इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है जो भारतीय सेना के भूतपूर्व जवानों को उनका आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है वो लागू कर दिया है। जय हिंद जय भारत, 10% आरक्षण कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में 25 मार्च का पेपर लीक हुआ है, जो कि ज्ञानवीर कॉलेज सागर से लीक हुआ है, और उसकी प्रति का भी मिलान कर लिया गया है जो वायरल हुआ था पेपर में, मतलब जो फोटो वायरल हुई हैं एक 25 मार्च 2022 पेपर की, वो ओरिजिनल MPB की वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुका है और उसका मिलान भी किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि स्वयं व्यापम भी कर चुका है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। और दूसरी बात, इसमें सबूत ये भी है कि जो लीक हुई है प्रति उसमें आंसर टिक नहीं है, मतलब अगर 25 क्वेश्चन वायरल हुए हैं तो उनमें से एक दो तो टिक होते, कोई भी बच्चा अगर अनपढ़ भी जाएगा तो तुक्के तो लगाएगा क्योंकि माइनस मार्किंग तो थी नहीं, लेकिन जो अपलोड हुआ है पेपर वो भी ब्लैंक है, जहाँ तक उसमें तो आंसर ही है लेकिन जो लीक हुआ है उसमें कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब पेपर 25 के पहले लीक हुआ है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है कि पेपर 26 तारीख को लीक हुआ है, तो अगर आप अभी वीडियो बना रहे हैं हमारा तो ये शाम तक अपलोड करोगे, वायरल तो दूसरे तीसरे दिन ही होगा ना, तो इसी तरीके से लीक तो तब हुआ ना जब फोटो खींची गई होंगी,
लीक हो चुका, वायरल एक दो दिन बाद हो या दो महीने बाद हो, लेकिन पेपर तो लीक हुआ ना, ये वो स्वयं स्वीकार चुके हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि बात कॉलेज के बारे में ना की जाए, अब कॉलेज क्योंकि उनके मंत्री का है। तो समस्या यहाँ पर है कि अपनी गलती ढकने के लिए अगर ये दूसरे मंत्री का होता और ये विपक्ष में होते तो ये चढ़ जाते ऊपर, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष ही है, कोई पता नहीं है उनका, तो विपक्ष का काम हमें करना पड़ रहा है। काम ये हम ये चाहते हैं कि CBI इसकी जाँच हो और पेपर को निरस्त करके पेपर दोबारा से कराया जाए, क्योंकि एक सामने आया है पेपर, ना जाने ऐसे कितने लीक हुए होंगे और कितनों का भांडा फूटेगा, संलिप्तता किन किन की पाई जाएगी ये CBI जांच में पता चलेगा। और पेपर निरस्त करने से ये होगा कि जिन बच्चों ने, हम लोग जो वर्ग 3 पेपर का 25 तारीख को लीक हुआ है उसके विषय में संपूर्ण परीक्षा निरस्त हो और CBI जाँच हो, और जो पहले भी इसके पहले लीक हुए हैं पेपर उनकी जांच हो। अब 25 तारीख को जो लीक हुआ है और स्क्रीनशॉट सामने आए हुए हैं उसकी मेरे पास कॉपी है जे आप, और व्यापम ने भी इसको स्वीकार किया है कि हाँ 25 तारीख को पेपर लीक हुआ है। अब जब आपने स्वीकार कर लिया है कि लीक हुआ है तब उसको कैंसिल करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम लीक नहीं करेंगे, वो बाद में लीक हुआ है। आप बाद में लीक का बोल रहे हैं तो उसका भी हमारे पास प्रमाण है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को टिक क्लिक करते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, और आप इसमें देख सकते हैं जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट हैं इनमें क्लिक नहीं है, मतलब कि जो 25 के पहले लीक हुआ है सबमिट के बाद पहले का लीक है, ना कि सबमिट के बाद में का। व्यापम में जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं उन्होंने बोला है कि बाद में लीक हुआ है, तो इसका प्रमाण ये है कि जो बाद में लीक नहीं हुआ है, जो पहले लीक हुआ है। अब ये कब से लीक हो रहा है, 25 का तो प्रमाण है कि कब 25 को लीक हुआ है, लेकिन उसके पहले कितने दिन से लीक हो रहा है, 5 तारीख से हो रहा है या पूरा पेपर लीक है या कब से चल रहा था, हम लोगों को नहीं पता। तो इसलिए पूरी परीक्षा निरस्त हो और ऑफलाइन पेपर हो और CBI जाँच हो। रोहित मोबाइल की नई पेशकश रोहित इलेक्ट्रिकल्स, सभी कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, AC, कूलर, मिक्सी, प्रेस, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल्स आइटम थोक रेट में उपलब्ध। 0% ब्याज पर बजाज एवं SDB कार्ड बनवाएं बिल्कुल मुफ्त। हमारा पता है बड़ा बाजार रामप्याऊ के पास सागर, द्वितीय शॉप रंगीन घोड़ा बालों के बाजू में मकरोनिया सागर। हमारे मोबाइल नंबर हैं 8838393058, 9009205959 और 8818151।